वेलकम टू एनके क्लासेस। आज हम क्लास टेंथ की साइंस चैप्टर 2 एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द एसिड प्रेजेंट इन आंट, गिव इट्स केमिकल फार्मूला। सो आंट में कौन सी एसिड प्रेजेंट होती है और उसका केमिकल फार्मूला बताना है। सो आंट में फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होती है और उसका केमिकल फार्मूला होता है HCOOH। इसको हम मिथेनिक एसिड भी बोलते हैं। मूव ऑन टू सेकेंड क्वेश्चन। You have two solutions A and B. The pH of solution A is 6 and pH of solution B is 8. Which solution is more H plus ion concentration? So, इसमें हमारे पास दो solution है A and B. A का pH है 6 और B का pH है 8. तो हमें बताना है कि किसका H plus ion concentration ज़्यादा होगा. So, यहाँ पे A का pH 6 है तो वो acid हो जाएगा और B का pH 8 है तो वो base हो जाएगा, क्योंकि 7 से पहले एसिड रहता है और 7 के बाद पीएच हो तो बेस रहता है। सो यहाँ पे ए आपका एसिड हो गया और बी आपका बेस हो गया। अब जितना ज़्यादा पीएच होता है उतना ही कम एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन होंगे, तो ए और बी में पीएच किसका कम है? ए का। तो मोर कंसेंट्रेशन एच प्लस आयन किसके हो जाएंगे? ए के। सो सॉल्यूशन ए इज एसिडिक इन नेचर बिकॉज इट्स पीएच इज लेस देन 6 एंड सॉल्यूशन बी इज बेसिक इन नेचर बिकॉज इट्स पी एच इज मोर देन 7। ऑल्सो हायर द पी एच लेसर इज द कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन्स, सो ए विल हैव मोर कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन्स। नाउ मूव टू थर्ड क्वेश्चन, वॉट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? कि जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करते हैं। सो द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन वाटर एंड सॉल्ट इज फॉर्म। सो एसिड प्लस बेस गिव्स आउट सॉल्ट प्लस वाटर। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि हमारा बेस है और HCl जो कि हमारा एसिड है, तो जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है NaCl प्लस H2O। तो यहाँ पे NaCl क्या हो जाएगा? सॉल्ट हो जाएगा। सो जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो हमको क्या गिव आउट करेंगे? सॉल्ट प्लस वाटर। नाउ मूव टू फोर्थ क्वेश्चन, गिव टू इम्पोर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। सो वॉशिंग सोडा के हमको दो इम्पोर्टेंट यूजेस बताने। सो इसका पहला यूज़ होता है कि ये परमानेंट हार्डनेस वाटर से क्या करता है? रिमूव करता है, जिससे कि क्लोथ वॉश करने में बहुत आसानी हो जाती है। दूसरा होता है क्लीनिंग एजेंट के लिए यूज़ होता है, जो हमारे डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए होता है। नाउ मूव टू फिफ्थ क्वेश्चन, गिव द केमिकल फार्मूला फॉर ब्लीचिंग पाउडर एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। सो ब्लीचिंग पाउडर के लिए केमिकल फार्मूला क्या होता है? CaOCl2। और प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए क्या होता है? CSO4.5H2O। सो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियोस आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा।